जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। हिंदू महासभा कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया नाथूराम गोडसे का जन्मदिन। आज अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश कार्यालय पर हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं महान देशभक्त नाथूराम गोडसे का 111वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। नाथूराम गोडसे कट्टर हिंदूवादी विचारों के व्यक्ति थे, केवल देश को बचाने के लिए एवं देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने गांधी का वध किया था, क्योंकि गांधी के कारण देश का बंटवारा हुआ और जो गदर हुआ उसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या हुई, जिसका केवल एक ही कारण था, गांधी की दोगली नीति। इसीलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी वध का निर्णय लिया और देश को टुकड़े होने से बचा लिया। आज देश को नाथूराम गोडसे के विचारों की जरूरत है, न कि गांधी के, क्योंकि देश इस वक्त बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है और हम सभी का फर्ज बनता है कि मुसीबत की इस घड़ी में हम देश के साथ खड़े हों। कुछ असामाजिक एवं विघटनकारी शक्तियां देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन उनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। आज जब पूरा विश्व भारत की मदद करता है तो हमारे देश के धन्ना सेठ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और यादव खानदान, इनमें से किसी ने भी एक रुपए दिखती मदद से देश के लोगों की नहीं की है। जी, आज आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं इस देश के दो टुकड़े बचाने वाले हुतात्मा नाथूराम गोडसे का 111वां जन्मदिन है, तो हिंदू महासभा ने इस अवसर पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश सरकार से अनुरोध करती है कि नाथूराम गोडसे एक पक्के देशभक्त थे, उन्होंने केवल देश को बचाने के लिए गांधी का वध किया था। उनकी कोई रंजिश या दुश्मनी गांधी से नहीं थी, केवल देश के टुकड़े ना हो और मुस्लिम तुष्टिकरण ज़्यादा न बढ़े, इसलिए गांधी का वध करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा, क्योंकि वे एक महान वक्ता, पत्रकार थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पदचिन्हों पर चलना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी।